जोहार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए क्लास 8 का विज्ञान में वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं। वार्षिक परीक्षा 2020 का सबसे पहला प्रश्न, कोशिका कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर देयर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन टू, दो प्रकार की। क्वेश्चन नंबर दो, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन टू, पारा। वार्षिक परीक्षा 2020 का तीसरा प्रश्न, मलेरिया परजीवी का वाहक है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन वन, मादा एनाफिलीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर फोर, संचरणी रोगों का सबसे मुख्य कारक है? ऑप्शन टू, घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक नहीं है, इसका अर्थ यह है, कौन सा वैसा पदार्थ है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री, प्लास्टिक। तांबा से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तांबा का तार आप लोगों के घरों में भी इस्तेमाल होता है, लोहा से भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रेफाइट पेंसिल के बीच में जो रहता है उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्लास्टिक ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किशोरावस्था की उम्र है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री, 11 से 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर सेवन, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन वन, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर एट, निम्न में कौन सी गैसें दहन में उपयोगी होती है? दहन अर्थात आग जलने में उपयोगी होती है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन टू, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग जल नहीं सकता है। एनुअल एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन नंबर 9, आंतरिक निषेचन होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन वन, मादा के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन वन, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन वन, जुताई। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर तारामंडल, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये सारे सौर परिवार के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 14, घर्षण निर्भर करता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन वन, पृष्ठों की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 15, कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा रेयॉन। वार्षिक परीक्षा 2020 का 16वां प्रश्न, ध्वनि संचरित हो सकती है? ऑप्शन वन, केवल ठोसों में, ऑप्शन टू, केवल द्रवों में, ऑप्शन थ्री, केवल गैसों में, ऑप्शन चार, ठोसों, द्रवों एवं गैसों तीनों में। प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि
किस किस माध्यम से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों में ध्वनि संचरित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भू संपर्कन, अर्थिंग, जबकि भूकंप, तड़ित, चक्रवात, ये सभी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। वार्षिक परीक्षा 2020 का 18वां प्रश्न, निम्नांकित में कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, नाइट्रोजन। पौधा घर गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और मीथेन गैस भी है। क्वेश्चन नंबर 19, वनों उन्मूलन का कारण है? ऑप्शन 1, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, इनमें से सभी। वनों उन्मूलन का मतलब ये हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई, पेड़ों की कटाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होने का कारण भवन निर्माण भी है, सड़क निर्माण भी है, कागज उद्योग भी है। वार्षिक परीक्षा का विज्ञान का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, लकड़ी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें डिजिट क्लासेस के साथ। जय हिंद।